सो हेलो गाइस, वेलकम टू सोलो ब्लॉग्स। आपने अब तक देखा कि हम लोग कैसे रामबाड़ा तक पहुँचे और रामबाड़ा में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वहाँ से केदारनाथ की यात्रा, बाकी जो आधी यात्रा है वो इस पार्ट टू में है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लग रही है गाइज। सो मेरा हाल आप देख रहे हैं किस तरह से हो गया है गाइज। ओह माय गॉड, इट्स रियली वेरी चिल्ड वेदर ओवर हियर। लो लो गाइज, ये थोड़ी सीधी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई ये तो नहीं है, ये थी। सो हम पार करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से सिर्फ श्री केदारनाथ बाबा 8.5 किलोमीटर से। हम लोग जहाँ पे अभी बैठकर कुकिंग कर रहे थे वो जगह यहाँ से सीधी वो नीचे है, टिक बीच में। ये भैया गाय झाड़ू, हम लोग उस पार से जिस पे अभी धूप निकल चुकी है उस पार से इस पार आ चुके हैं। अब इधर भी थोड़ी देर में धूप आ रही है। यहाँ से सीधा हिमालय, आउटस्टैंडिंग व्यू। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। साइकिल पथ बना दो ना, सारा गियर वाला साइकिल लो, अब अपना पथ बना दो। लगी हमें यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स है गाइस। सो उसका व्यू भी आउटस्टैंडिंग आता है, देखकर मन को सुकून मिलती है इस रास्ते में। वाह क्या कहना बाबा तेरे रास्तों का। ये है पुराना वाला 2013 का रोड जो कि त्रासदी में चला गया। ये था पुराना, यहाँ से पूरा ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ये पूरा रास्ता था गाइस। ये जो लाइनिंग आगे और पूरा त्रासदी में बह गई। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक यहाँ से शॉर्टकट और एक यहाँ से लॉन्ग कट। हम लोग शॉर्ट कटेंगे। शॉर्ट कट लेते हैं। अरे नटजी लॉस हो जाएगा हैप्पी। धीरे धीरे चलेंगे, नहीं चलिए रफ से, चलो ना धीरे धीरे चलिए। चलिए कोई नहीं गाइस, कैंसिल कैंसिल, हम लोग शॉर्ट कटेंगे नहीं लॉन्ग कटेंगे। हम लोग अब लॉन्ग कटेंगे, शॉर्ट कट का प्लान कैंसिल। यहाँ पे मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। लगभग 9.5 किलोमीटर पार करने के बाद ये एक ढाबा आता है। ढाबा 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 बाबा का ढाबा है, ढाबा बाबा के रास्ते में आने वाला ढाबा। बाबा ये जो आप देख रहे हैं ये हिमालय है, यहाँ से बहुत ही क्लियर, बहुत ही गजब दिख रहा है। स्वर्गारोहणी यहीं से हुई थी पांडवों की, स्वर्गारोहणी यहीं से हुई थी पांडवों की, सशरीर वो भी। कुत्ता भी गया था स्वर्ग उसके साथ। कुत्ते का नाम क्या था? टॉमी। टॉमी
हेलो हेलो इट्स रियली गुड वेरी टायरिंग बिकॉज इट्स एट हाई एल्टीट्यूड लो गाइस एल्टीट्यूड हेलो इज नॉट निकला लो रियली मानना नहीं मानना These are the people who don't have ability to climb. That's why they are going on. ये क्या है? इतना ऊंचा है? देखिए ना पर्वत चढ़ने के समय ऊंचा नहीं देखता है। जब मंजिल बड़ा हो तो ऊपर नहीं नीचे देखते थे। फ्रस्ट्रेट होके मर जाओ। एक घंटा 45 मिनट का वीडियो और इससे बन सकता है। जी है ऑफ रोड थोड़ा दूर के लिए यहाँ से गोवा ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट वाली रोड लॉन्ग कट और यह नीचे वाली ओके जाना है ऊपर सो हम चलते जा रहे हैं यहाँ से आपको एक बार पूरी व्यू दिखा रहे हैं दिखा दे रहे हैं हेलो हेलो गाइस चैनल टू माई वेलकम हम ही आ गए हैं यहाँ अताई जगह ऑफ रोड करते करते हम ही वो डाड़ा पहुँचना है हम सबको कमोंगे कामयाब कमोंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन क्या आगे होना है वाह इट्स रियली वेरी टायरिंग गाइस सो व्हेनेवर यू कम हियर प्लीज गो स्लोली टेक रेस्ट प्रॉपर थ्रू आउट द वे But you're really gonna appreciate this type of experience and you're never gonna forget out here because we are very close to nature. This in the top of this mountain snowfall happened earlier, 3 days earlier. Wow, it's outstanding panoramic view over here. Guys, हम लोग तो शॉर्टकट लिए हैं शॉर्टकट आप नहीं कट लीजिएगा नहीं तो कट जाइएगा सो प्लीज डोंट गो फॉर शॉर्टकट बिकॉज इट्स वेरी मच टायरिंग यू विल जस्ट गोना एग्जॉस्ट ओवर हियर चलो टेक दैट वे यहाँ से उतरना ठीक है चलो बेटा ज़्यादा नज़दीक है स्टार्स उस दुनिया टूटे रहते टूटे रहते तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट अभी धूप आई है नहीं चलना तो बहुत कड़ी धूप उगती है सो आप कृपया अपने साथ SPF लेके आए कोई सा भी हमारे पास फिलहाल SPF 18 है सॉरी 80 है जो हम लोग लगाने जा रहे हैं सो प्लीज़ धूप से सनबर्न आपको ना हो इसलिए SPF लेके चले मेरा कैसा साफ हुआ बीच में मैं नहीं करता निकलता हूँ कैसा है होगी अगले बहुत अजीब लग रहा भले ही अजीब लगेगा सनस्क्रीन जरूरी होता है लेकिन कुछ अजीब चीज़ें
हमको क्या दे, मेरे पास है क्या, यूज माय पर्सनल जाके दे जा ले। थैंक यू चीफ। हमारा रहेगा पंजा के अंदर आपने। हाँ मेरा प्रोवाइड स्क्रीन है, ज़्यादा जरूरी है। अब वाइट हो गया पूरा क्या? हाँ अजीब सा से स्वीट सेल्फी वाला वाइट हो गया। मूछ दाढ़ी में लागल है? मूछ दाढ़ी भी थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया। सुधारना 6 किलोमीटर यहाँ पे इंसान से ज़्यादा तो घोड़े परेशान करते हैं। यहीं तो स्वेट है छोड़ेगा ऐसा। घोड़े मत देखिए, हमारे देखिए। अब बस कुछ किलोमीटर्स की दूरी बाकी है गाइस, फिर 5 किलोमीटर्स उसके बाद हम लोग होंगे ये रास्ते के थ्रू सीधे वहाँ। अरे कहाँ आ गए आप भी? वहाँ वहाँ यस। इस खड़ी चढ़ाई में इस सीधे रास्ते को या फिर उड़ालों को जो है वो उकालो अब हो गया ख़त्म। थोड़ा सा और उधर बाकी है, अब जो उड़ालो स्टार्ट हुआ है गाइस, सो बहुत अच्छा है। चलने में थोड़ा सा रेस्ट हुआ है, ये तो मेरे पैर थक चुके थे। उसके बाद ये जो है बहुत ही गजब। हाँ बिलीव मी गाइस, ये जन्नत है जन्नत। एक बार जरूर आना अपनी जिंदगी में केदारनाथ। सो गाइस ये हमारा GoPro है जिसको हम पानी के अंदर रखने वाले हैं। देखिए कैसा व्यू आता है। हम लोग हैं सिर्फ 3 किलोमीटर दूर केदारनाथ से और हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। वी आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, इसीलिए हम लोग आए हैं थोड़ा देर इस नदी किनारे बैठने। इट्स अ थेरेपी गाइस, थेरेपी, इट्स थेरेपी। पानी काफ़ी ही ठंडी है। बहुत ज़्यादा पूरा लगभग 12 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग हो गए हैं, उसे कहते हैं पथ। चलो भैया अभी भी मैं लाउ दे हमको कुछ परफेक्ट तरीके से, लेकिन हम सबके पास दम नहीं है लाउ दे कर सकें। विष्णु अब यार पत्थर उठाना जल्दी आ रहे हैं। आए हैं कत्तदून के जंगल में, हम आपको सिखाएंगे कि कत्तदून में कैसे सर्वाइव किया जाता है। सबसे पहले एक स्टोव रखें, इसमें ये अल्मोनियम का कंटेनर कभी भी बिल्कुल भी भूल कर भी मत लाएं, क्योंकि इसको गर्म करते हैं इसमें छेद हो जाता है। इस बात को हम सबको बहुत ज़्यादा खेद हो जाता है। चाय पत्ती छानने के लिए देख रहे हो क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है। यहाँ पे मौसम भी कभी भी चेंज हो जा रहा है और हमारे सर्वाइवल एक्सपर्ट हो गया विष्णु सूरज कुमार गुप्ता जी। ऑन नहीं होना चाहिए, मारेंगे। चलो जबरदस्त चाय 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 तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाबा केदारनाथ की नगरी केदारधाम। ये है रुद्र पॉइंट। केदारनाथ धाम यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेक्टर ऑफिसर घोड़ा पड़ाओ केदारनाथ। हाँ बोल ना। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं बेस कैंप केदारनाथ समुद्र तल से ऊंचाई 3515
मीटर हम लोग यहाँ पे रहने जा रहे हैं नंदी कॉम्प्लेक्स केदारनाथ बेस कैंप, जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग की रूम बुक है। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बाबा केदारनाथ की दगड़ी, केदारनाथ में। हम आपको सुबह भी आकर पूरी ब्लॉग्स बनाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं शाम की आरती लीजिए। दरबार में क्या बताऊं मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस जगह पे बाबा के दरबार में आकर, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अभी आरती हो रही है, आरती के टाइम है, आरती के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको सबको दिखाना चाहूँगा। क्या बनावट है गाइस इसकी, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से बना। वाओ, आउटस्टैंडिंग, क्या कटिंग। ये लाइट्स की सुविधा, और यही पत्थर त्रासदी में आकर इसके पीछे आने के कारण से यहाँ पे ये मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ गाइस। यही पत्थर जो है वो त्रासदी को थामे बाबा को रखा था, बाबा के मंदिर को बचाए रखता रखा था। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, वाह कितनी अमेजिंग स्ट्रक्चर्स है। यही वो पत्थर है, घर के यहाँ तक आया। केदारनाथ आप अभी हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे बेस्ट व्यू हिमालयाज का। So guys, ये है हेलीपैड जहाँ पे आ रहा है हेलीकॉप्टर। कहाँ है? है छोटा सा है, आ रहा है, आ रहा है।
ऑस्ट्रेलियन बाद में फांसी उसको। वाह वाह डीजल डीजल इलीजन इलीजन है इलीजन। बहुत ही ज्यादा अजब। जीते जी दो बार स्वर्ग आने का मौका मिला है, मरने के बाद लोग नहीं जा पाते। लगातार दूसरी बार स्वर्ग। स्वर्ग में आलू पराठा मिलता है नाश्ते में। सो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, जहां पे हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। आज काफी भीड़ है। बहुत लंबी लाइन है गाइज, कम से कम 3 घंटे से ज्यादा लग सकती है इस लाइन में लगने पर। क्या सुकून है यहाँ पर। फोटो सेशन आप लोग लाइन यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन है यहाँ से ऐसे घूम के। ये लाइन यह बहुत ही लंबी है, पूरी तरह से घूम के यहाँ से आप जितनी नीचे तक देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी नीचे तक की लाइन है। अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ही ज़्यादा ही लंबी ही लाइन है। हाँ पाटलिपुत्र हाउस है कहाँ पे? सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं लाइन में केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए। ये लाइन काफ़ी ही ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा लंबी भैया। सो हो सकता है हमें 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं। सिर्फ आधे घंटे पहले गाइस मौसम पूरी क्लियर थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। जो हिमालय पहले क्लियर दिखता था वो अब कुछ ऐसा दिख रहा है, सिर्फ बादल ही बादल। सो गाइस यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट होने के कारण से हो सकता है अभी दर्शन बंद हो जाए थोड़ी देर में। सो आउटस्टैंडिंग फीलिंग, क्या बताऊँ मैं। इट्स वेरी स्नो।
सो फाइनली इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हाथ में चाय का कप हो और केदारनाथ बोलो ना, केदारनाथ बाबा जी आगे वाले हो, आगे वाला कितना अच्छा तो आया। बाबा का प्रसाद पूरी तरह से स्नो ओले गिरने स्टार्ट हो चुके हैं, अब स्नोफॉल स्टार्ट होगी, इससे अच्छी और क्या हो सकती है। वाओ इट्स रियली वेरी अमेजिंग टाइप ऑफ फीलिंग। हां तो चेंज करो ना। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ओले गिरे हुए हैं, बूंदी जैसे बूंदी के लड्डू बनाए जा सकते हैं इससे। दिखाओ ना उधर छोड़ो इधर दिखा। वाओ गाइस इससे बेहतर क्या हो और क्या और हो नहीं सकती है। मेरी चाय में भी थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही है, मौसम का मूड चेंज होते हुए ये हिमालय अब थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, पूरी तरह से बर्फ नहीं बर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंदर है सब ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। वहाँ वहाँ जाके दिखाओ बर्फ, सर पे टोपी बांधो वहाँ मेरे हाथ में ये चाय की कप जो कि स्वर्ग जैसे आनंद दे रही है, यहाँ आप देख सकते हो क्या गजब बूंदी जैसे बर्फ पड़ी हुई है। वाह मज़ा आ गया, क्योंकि श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है कंटिन्यूसली, इतनी बारिश और ख़राब मौसम के कारण भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है, अभी भी जा रहे हैं भक्तजन दर्शन के लिए और हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। कोई नहीं, जय शंभो। देखो वहाँ का पूरा जम गया ये वाला लोअर भाग। अरे वाह गजब, पूरी तरह से वहाँ पे सफेदी छाती हुई जगह सीख बहुत ठीक है। ये इतनी लंबी से भी बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन पार करने के बाद यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। एक सेकंड भैया इधर, आने के बाद मन चिता आत्मा जो जो होता है हर चीज पूरी तरह से प्रसन्न हो चुकी है। बाबा का दर्शन हम लोग सुबह लगभग 5 बजे से लाइन में लगे थे और अभी लगभग 6:28 यानी कि यही करीब 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के दर्शन होते ही बहुत ही ज़्यादा मन शांत और प्रसन्न, क्या बताऊँ ये एक्सपीरियंस मतलब बताया नहीं जा सकता। आप खुद आओ एक बार बाबा के दर्शन करने, लेकिन एक बार ज़रूर आओ, आउटस्टैंडिंग, जन्नत है जन्नत। जय भोलेनाथ। हर महादेव।